अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान फिर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिलीवरी बॉय रईस, जिसे लाहौर के अंदर दिन दहाड़े जला दिया गया और ये फैसल कॉलोनी के अंदर ये वाक्य पेश आया। आमना के शोहर फरहान को इस बात का इल्म हुआ कि मेरी बीवी किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, तो अहले मोहल्ला ने उसे बार बार ये बताया कि आपके घर किसी डिलीवरी बॉय के बार बार आना रहता है और आपके बीवी के कुछ किरदार बेहतर नहीं लग रहे, इसलिए बेहतर है कि आप अपने घर को संभालें। तो फरहान को भी इस बात पे शक हुआ, तो उसने आमना का मोबाइल लिया और उसमें देख के किस तरह व्हाट्सएप पे चैट हो रहा है, उनके वीडियोस वगैरह और बहुत कुछ उसे मोबाइल के जरिए उसे मिला। तो अब फरहान जो है वो तहश में आकर अपने बीवी को पहले मारा, फिर बीवी ने जब सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो रईस के ऊपर डाल दिया कि वो डिलीवरी बॉय आता है, इस तरीके से मुझे छेड़ता है, तंग करता है और मुझे बड़ी धमकियां देता है और मुझे गंदी गंदी वीडियोज़ की इस तरह मुझे ब्लैकमेल करता है, अगर मेरे साथ तुमने कुछ गलत ना किया तो मैं तुम्हें सरेआम जो है लोगों को तुम्हारी वीडियोज़ या ये डाटा जो है लीक कर दूंगा, तो इस तरह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब फरहान जो है अपनी बीवी की बातों में आकर उसे कहता है कि ठीक है तुम रईस को बुलाओ, फिर किसी तरीके से मैं उसके साथ निपटता हूँ, जो कुछ भी करना है मैं उसको साथ ये सब कुछ निपटाता हूँ, ये फैसला करता हूँ। तो रईस को आखिरकार आमना बुला लेती है और घर में अपने कमरे में बिठाती है, कम से कम 10 मिनट वो उसके कमरे के अंदर बैठा रहता है और 10 मिनट बाद वो कमरा बंद करके बाहर चली जाती है और अपने शौहर को बुलाती है। इस तरह उसके शौहर उसको मारता पीटता है और वो रईस आखिरकार छत पर चढ़ने में कामयाब रहता है और छत से वो नीचे छलांग लगाता है, लेकिन वो फिर भी बच जाने के बावजूद उसे घर में ले जाकर फरहान एक बोतल ले आता है पेट्रोल की और वो बोतल पूरी के पूरी जो है पेट्रोल को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, पेट्रोल जो उसके जिस्म के अंदर फैल जाए और उसके बाद उसके पूरे जिस्म को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। और यूं देखो देखते ही देखे चंद ही लम्हों के अंदर वो जो एक जिस्म था वो एक खाक राख में बन जाता है। ये देखे कि तहश के अंदर फरहान ने तो बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया, लेकिन जो असल जो इसकी मुलजमा थी वो उसकी बीवी थी, लेकिन उसने बीवी को बचाने के लिए रईस के ऊपर सारे इल्जाम डाल दिया था कि मोहल्ले को ये पता चल जाए कि भाई मेरी बीवी बिल्कुल बाकिरदार है और जो ये लड़का है ये गलत था। तो अहले मोहल्ला मुकम्मल जानते थे कि किस तरीके से उसके बीवी उसे बार बार बुलाती थी, ट्रैप करके उसे यहाँ तक लाया जाता था और इस तरह एक मुकम्मल जो है गेम एक लड़के को डाल देगी। इसमें रईस गलत है, लेकिन उसकी बीवी भी बराबर के शरीक थे, लेकिन सारे का सारा जो इल्ज़ाम था वो रईस को डाल दिया गया और रईस के जो अहले खाना का कहना है कि हमने उसकी इसी ईद से पहले हमने उसका निकाह किया और अब उसकी शादी थी, हम लोग उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे और हमारे घर को उसने बर्बाद करके रख दिया। दूसरी तरफ आमना का कहना है कि ये लड़का मुझे बार बार तंग कर रहा था, जबकि पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर राणा सुहेल साहब का बयान है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा शातिर और चलाक है और इसने अपने सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो एक लड़के को डाल दिया है। हालांकि ये बोलने में भी हर एक चीज़ के अंदर माहिर है और इसके पास किसी बात का कोई सबूत नहीं कि ये लड़का मुझे तंग करता था, कहता है ये अपनी मर्जी से उसके साथ बातें करती थी, उसके साथ गपशप लगाती थी, लेट नाइट उससे गपशप मुलाकातें होती थी और यही वजह थी कि आप वो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है किसी न किसी के ऊपर डालना था और आमना ने इस मसले से निकलना था क्योंकि वो लोगों की नज़रों में आ चुकी थी। मेरे रिश्ते के ऊपर कोई और मजीद मसला खड़ा हो और इस वक्त ये देखे रईस का घर तो मुकम्मल तबाह हुआ, उसके साथ आमना, उसके 3 बच्चे और फरहान इस वक्त जेल में और मुकम्मल दोनों की दोनों फैमिलियाँ जो है वो इस वक्त उजड़ चुकी हैं, लेकिन असल जो इसमें मुलजमा थी वो थी आमना जो इस मसले को बढ़ा रही थी और दोनों में रिलेशन बढ़ाया उसने और जिस तरीके से भी वो बुलाया करती थी वो बकायदा इस वक्त सोशल मीडिया पर उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि किस तरीके से वो रईस को अपने एक ताल्लुक के अंदर कायम किया, उसको अपने करीब लाई और यूँ फिर अपना वक्त एक अपना मकसद उसके साथ निकालती रही और अब जब वो पकड़ी गई तो उसने सारा क्रेडिट जो है एक शख्स अकेले लड़के को डाल दिया, रईस को घर बुलाकर उसे जो है जिंदा जला दिया। एक इतना अफसोसनाक वाक्य जिसे शायद कोई भी देख ना सकता हो क्योंकि जिस तरीके से उसकी लाश मिली है क्राइम सेल रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जली हुई बिल्कुल एक खाक थी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, जल्द चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।